समस्त दर्शकों को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज हमारे निज गांव में एक ऐसे संत थे जिन्होंने 35 साल से जो सोए नहीं थे, बड़ी सिद्ध मूर्ति, और ऐसे उनके वचन थे जिससे जो बोल देते थे वो काम उनका होता था। उनकी मेरे ऊपर बड़ी अपार कृपा थी, समस्त बस्ती पर थी, और जो भी दर्शन करने वहाँ जाते थे सबके ऊपर उनकी अपार कृपा बरसती थी। वो संत श्री श्री खजाराठ श्री हाथी बाबा के नाम से उन्हें जानते थे। वो पूरे हो गए हैं, 3 बजे उनका अंतिम संस्कार है, वहाँ पर बहुत श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर अंतिम दर्शन करना चाहते हैं तो बरका धाम कोसी कला के पास है, होडल के पास है, आप जरूर पहुंचकर संत के दर्शन करें, अंतिम संस्कार में सम्मिलित हों और उनका आशीर्वाद, अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करें। और संतों का आशीर्वाद तो सदा बना ही रहता है, उनके तो वचन, उनकी तो आभा, उनके विचार सदैव जन जन के मन में, हृदय में रहेंगे। जोशी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम गांव के लिए ही प्रस्थान कर रहे हैं और ईश्वर कृपा करेंगे, आप भी आ रहे हैं, बहुत भाइयों के फोन आए हैं कि वो भी पहुंच रहे हैं। सतेंद्र राणा जी, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बड़े उच्चकोटि के संत थे जिन्होंने 35 साल तक किसी ग्रामवासी ने उनको सोता हुआ नहीं देखा, केवल बैठे ही रहते थे धूना पर। और ऐसे महान सिद्ध संत आज चल बसे हैं, शरद पूर्णिमा है, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में वो प्राप्त हुए हैं और वहीं पर हम जा रहे हैं। और मैं तो निवेदन करूंगा कि आप भी पहुंचें घाघर वन, जो हमारे ब्रज के वन हैं, बरकाधाम, तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। और वैसे होडल हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, होडल के पास है, 8-7 किलोमीटर। आप आइए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।